नाथूराम गोडसे पर दिए गए एक बयान के बाद फिर राजनीति गर्मा चुकी है। इस बार राजनीति भोपाल में नहीं बल्कि इंदौर में गर्माने जा रही है। पहले साध्वी प्रज्ञा ने इस पर जो बयान जारी किया था उसी आधार पर भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने भी बयान दिया है। भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने भी नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी कहा है। उन्होंने कहा कि गोडसे राष्ट्रवादी है, उन्होंने जीवन भर देश की चिंता की, उस समय क्या काल परिस्थिति रही होगी जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। भाजपा विधायक उषा ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस बयान से भाजपा का असली चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। पूर्व में साध्वी प्रज्ञा द्वारा दिए गए गोडसे पर बयान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव का अंतिम चरण पूर्ण नहीं होने की वजह से किनारा करते हुए माफी का ढोंग किया था, पर चुनाव परिणाम आते ही भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ ही गया। यही है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। विधायक उषा ठाकुर जी ने एक बार फिर, भाजपा के नेता ने एक बार फिर नाथूराम गोडसे को गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित किया, उसे राष्ट्रवादी बता दिया। इसके पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया था, उसे राष्ट्रप्रेमी बताया था। लेकिन चूंकि उस समय चुनाव का अंतिम चरण बाकी था तो भाजपा के बड़े नेताओं ने चतुराई पूर्वक अपने आप को उस बयान से किनारा कर लिया और उसे उन्हें उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया, क्योंकि चुनाव का अंतिम चरण बाकी था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करना चाहते थे। जैसे ही चुनाव के परिणाम इनके पक्ष में आए, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। इनका छदम राष्ट्रवादी जनता के सामने आ गया, जो आज गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं, उसे राष्ट्रवादी बता रहे हैं।